बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस दरअसल अतिक्रमण हटाने यहाँ पर पहुंची। अवैध मजार और मंदिर को हटाया जा रहा है। सड़क निर्माण की वजह से मंदिर और जो अवैध मजार बताई जा रही है उसको हटाया जा रहा है। दिल्ली के भजनपुरा में अब सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने पहले से ही अवैध मजार और मंदिर को हटाने का नोटिस जो है वो जारी किया हुआ था। फिलहाल पुलिस जो है अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या अपडेट मिल पा रहा है, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, सड़क जो चौड़ाकरण है उसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई, और ऐसे में पहले यहाँ पे मंदिर को नोटिस दिया गया था। सारी चीजों को नोटिस देने के बाद यहाँ पे अब जो है यहाँ पे प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची है, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पे पहुंची है, इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो भी आपको नजर आएगी, और यहाँ पे जो आम आदमी है वो यहाँ पे ना पहुंच सके, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इसके कारण भी देखिए जो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं। 2 किलोमीटर के जो एरिया है उसको एक तरीके से कहें तो रोका गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया, रास्ते बंद किए गए हैं जो स्पॉट तक आते हैं, ताकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो यहां पे खराब ना हो सके। भारी संख्या में आपको पैरामिलिट्री के जवान दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई देंगे, ताकि यहां पे सभी मौके पे मौजूद है। और इसी से थोड़ी दूर पे बताया जा रहा है कि एक मजार जो है वहां भी था जिसको अब हटा दिया गया है, और अब यहां पे देखिए जो मंदिर की जो दीवारें हैं उसको यहां पे हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जेसीबी आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे जितने भी जवान थे वो सुबह सुबह पहुंचे थे, ताकि आसपास के एरिया से जो लोग हैं वो ना आ पाए। इसके कारण जो भारी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी थे वो भी मौके पे मौजूद हैं, और हर एक चौराहे पे देखिए आपको जो पुलिस की टीम है वो नजर आएगी जो इस रास्ते तक आते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रशासन की भी जो टीम है वो आपको नजर आएगी, पुलिस बल की जो टीम है वो देखिए आपको लोगों को हटाते हुए नजर आएगी। तो इस तरीके से आप समझिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौके पे पहुंच रहे हैं और प्रशासन की मदद भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो इसका भी प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी भी आपको नजर आएंगे, खुद यहाँ पे मौके पे अगर आप देखेंगे तो डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, एसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो सारे यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, मुआयना कर रहे हैं मुस्तैदी से। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके भी जवान यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। सर क्या अभी स्थिति? काम खत्म करता हूँ फिर आपको बैठ दूंगा तसल्ली से, प्लीज। देखिए यहाँ पे डीसीपी जॉय टिर्की सर हैं, बता रहे हैं कि काम खत्म करेंगे उसके बाद बाइट देंगे, और यही कारण है कि देखिए सुरक्षा जो है उसको काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है। तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, पैरामिलिट्री की फोर्सेस को आप देख सकते हैं, उनको भी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ डिप्लॉय किया गया। और यही देखिए यही वो मंदिर था जिसको पहले नोटिस दिया गया था बताया जा रहा है, और उसके बाद अब जो है इसे हटाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके अब यहाँ पे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी अभिषेक, नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।